देख रहे आगे आगे चलो आगे टेक्निकल एरर होता हुआ लॉन्चिंग को 5 मिनट मिले हो ये लॉन्च हो गया सक्सेसफुल और वो टीचर आगे कुशल मैम बीच में आ गए एक और लॉन्चिंग बोरे क्या हुआ बना ले बेटा ये किसी का डाल देना थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है मतलब हमारे घर में जो बिजली आती है वो इसी प्रोसेस इंडिया में मतलब 65% इलेक्ट्रिसिटी हम लोग थर्मल पावर प्लांट इस तरह बनती है पहले मालगाड़ी से मिला आता है हमारे प्लांट चाबी वाले खिलौने होते हैं बॉडी सो बच्चा रहे हैं आपने पहले ऐसा गया और फिर ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा उसके साथ ही सीटी भी रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगी और ये कार आगे बढ़ेगा सर प्लीज रुक जाइए सर प्लीज जापान के जो आइलैंड है उसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम होनशू आइलैंड है होनशू आइलैंड में इसकी कैपिटल टोक्यो है क्योटो है ये सब सिटीज है हमारे पास इसमें कोई नहीं बताने के लिए मैं खुद बता रहा हूँ ये जापान है हमारे यहाँ कोई नहीं बताने के लिए मैं खुद ही बता रहा हूँ ये जापान है भाई ये जो कुछ लिखा है फुंजियाना पढ़ लेना फुंजियामा हाँ किसी ने बताया बाकी आप देख ही सकते हैं हमारे चस्सू भाई बता रहे हैं इन्हीं दोनों रिवर के बीचों में आपकी चाइनीज सभ्यता उत्पन्न हुई थी
फिर इधर से आपका आ जाएगी ये मरियाना ट्रेंच का टास्क क्वेश्चन में आता है। मरियाना ट्रेंच जो है डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ बोला जाता है। फिर उसके बाद ये आपका इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इधर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो सबसे बड़ी कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। इधर जो ग्रेट बैरियर रिफ रिज है, इधर आपकी कंट्री जैसे पपुआ न्यू गिनी वगैरह आती है। इधर आपका न्यूजीलैंड का रीजन है, इधर आपकी रिवर एक फ्लो होती है। फिर इसके बाद ग्रासलैंड का एरिया है, आपका डाउन ग्रासलैंड, यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फिर इधर आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, डेजर्ट में काफ़ी बड़ा डेजर्ट माना जाता है इसको। इधर फिर आइए आपको ये दिखाते हैं, ये इंडोनेशिया का रीजन है। उधर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि इंडिया का पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया की इकलौती वॉल्केनो यहीं पे है बैरन आइलैंड में। फिर उसके बाद ये इंडिया का रीजन है, यहाँ पे आपका हिमालयन रेंज है जो सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट है जो कि आपके नेपाल के अंदर आती है। फिर लेकिन एक्चुअल में जो इंडिया की बात की जाए, इंडिया की सबसे ऊंची पीक है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो इस वजह से हम लोग उस पर कह नहीं सकते कि वो इंडिया का सबसे ऊंची पीक है। तो इस वजह से हम लोग कंचनजंगा को कहते हैं इंडिया की सबसे ऊंची पीक जो कि सिक्किम के अंदर आती है। फिर उसके बाद आपका इधर मानसराम रीजन है मेघालय में नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। फिर उसके बाद आपकी गंगा जी यमुना जी हैं, गंगोत्री ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उसके बाद प्रयागराज में आके मिलती है। प्रयागराज से होती है सुंदरी पेड़ को बनाते हुए आपकी चलो।